टू फैमिली। हमने एक्शन मूवीज़ तो बहुत देखी हैं, अब एक्शन से रिलेटेड कुछ वेब सीरीज की बात कर लेते हैं, ऐसा मैंने सोचा। तो आज की इस वीडियो में हम 7 एक्शन मूवीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि एक्शन फिक्शन हो सकती हैं, एक्शन एडवेंचर हो सकती हैं, एक्शन साइंस फिक्शन हो सकती है। तो लास्ट तक बने रहिए जानने के लिए कि इनमें से कौन सी बेस्ट है और कौन सी आपके लिए है। तो मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है हम लोग के एक और एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। हमारी लिस्ट की जो नंबर 7 पे मूवी आती है वो असासिन। ये 2019 में आई हुई एक एक्शन साइंस फिक्शन वेब सीरीज है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। इसमें दिखाया जाता है कि एक लड़का है, चाइनीज लड़का है, जिसे जो कि एक सेफ है, मतलब खाना पकाता है, बावर्ची है, उसे कुछ लोग असाइन करते हैं कि भाई अब तू ही है जो कि पूरी दुनिया को बचा सकता है। कुछ रिंग्स हैं उन्हें कलेक्ट करके, कुछ पावर्स हैं उन्हें कलेक्ट करके, उन्हें बुरे लोगों के हाथ में जाने से पहले तुम बचा लो। कुछ फेरी आते हैं, कुछ गॉड टाइप के क्रिएचर्स आते हैं, इसे बताते हैं सारी चीज़ें। अब ये उन लोगों से कैसे लड़ता है जिनके पास ये पावर्स हैं, और वो जो पावर्स हैं उन्हें सेफ गार्ड कर पाता है कि नहीं, इसे जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। हमारी लिस्ट की जो नंबर 6 पे मूवी आती है, द लेटर फॉर द किंग। ये 2019 में आई हुई एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा है, जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिलेगा। इसमें दिखाया एक बहुत जवान नौजवान लड़का है, जो कि एक आर्मी का हिस्सा है, मतलब अभी ट्रेनिंग ले रहा है। उसे और उसके दोस्तों को एक लेटर देके भेजा जाता है और बोला जाता है ये लेटर बहुत ज़रूरी है, इसे तुम्हें राजा तक पहुंचाना है। अभी जिस रास्ते से जा रहा है वहाँ पे से बहुत सारे अलग अलग राज्य के लोग इसे वो लेटर छीनना चाहेंगे, बहुत लोग इस पर हमला करेंगे। अब ये और इसके दोस्त जो कि ना ही ज़्यादा बड़े हैं, बच्चे टाइप के हैं, अब वो इससे कैसे लड़ते हैं और वो राजा तक पहुँच पाते हैं कि नहीं, खासकर ऐसा लेटर में क्या है जो कि राजा तक वो पहले पहुंचना चाहिए बहुत जल्द से जल्द। इन सारी बातों का जवाब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। नंबर 5 पे जो सीरीज आती है वायन, ये 2019 में आई एक एक्शन फिक्शन वेब सीरीज है, जिसका अभी तक सीजन 1 आया है, और ये सीरीज आपको यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन लेने के बाद देखने को मिलेगी। इसमें दिखाया जाता है एक वैन नाम का एक लड़का है 16 साल का, जिसके पिताजी डेड हो गए हैं। वो अपने दोस्त के साथ अपने पिताजी की एक गाड़ी उसे खोजने के लिए निकलता है, जो कि कहीं गुम हो गया या फिर चोरी हो गया, फिर किसी ने उसे उठा लिया। अब उसके पिताजी कैसे मरे, उसके पिताजी की गाड़ी के साथ क्या हुआ, इन सारी बातों का जवाब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना होगा। ये सीरीज आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। हमारी लिस्ट की जो नंबर 4 पे सीरीज आती है अनकवर, ये 2019 से चल रही एक एक्शन स्पाई ड्रामा है, जिसका टोटल 3 सीजन आया है। जिसमें दिखाया जाता है कि एक ड्रग माफिया है, जिसको पकड़ने के लिए 2 स्पाई कपल बन के जाते हैं और वहाँ पे रहते हैं, मतलब एकदम छुप छुप के रहते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ जाते हैं, कुछ वीकेंड है, वीकेंड पे वहाँ पे रहना है उन्हें, और जो ड्रग का माफिया जो भी ड्रग्स को सप्लाई करता है उसे पकड़ना है। क्या ये दोनों मिलकर पकड़ पाते हैं, इस सीरीज में आपको जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। तो आप इस सीरीज को मिस मत कीजिएगा, और ये हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे। नंबर 3 पे जो सीरीज आती है वारी, ये 2019 में एक एक्शन सीरीज है, जिसका टोटल 2 सीजन आया है और IMDb रेटिंग 8.4 है। इसमें दिखाया जाता है एक बंदा होता है जो कि बहुत पीसफुली रह रहा होता है, तब तक पीसफुली रह रहा है जब तक उसके ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं है, और उसे ऑर्डर देके जो वो नहीं चाहता है वो करवाने वाला नहीं है। लेकिन एक दिन उसे सब कुछ ऐसा होता है कि उसे कुछ बदमाश लोगों की बातें माननी पड़ती, कुछ गलत काम करने पड़ते, अब ये उनके चुंगुल से कैसे निकलता है, ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। ये सीरीज मुझे याद नहीं आ रही किस प्लेटफॉर्म पे मिले, मैं आपको वीडियो के साथ साथ नीचे टाइटल में लगा दूंगा, तब पता चल जाएगा कौन से प्लेटफॉर्म पे आपको ये देखने को मिलेगी। नंबर 2 पे जो सीरीज आती है ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, कोबरा काय। इसकी IMDb रेटिंग 8.9 है और इसके टोटल 4 सीजन आए हुए हैं। एक एक्शन ड्रामा है, मार्शल आर्ट टाइप की इसमें कहानी दिखाई जाती है। अगर आपने ओरिजिनल कोबरा काय देखी है 1984 वाली, जिसमें एक टूर्नामेंट होता है, उसमें 2 लोग होते हैं, उन्हीं कहानी को 34 साल बाद भेज के शुरू किया गया। ये इनिशियली तो यूट्यूब पे रिलीज हुई थी, लेकिन इसे अभी नेटफ्लिक्स ने ले लिया, लेकिन इसके सीजन 1 शायद यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप फ्री में भी देख सकते हैं उसे। तो ये मुझे पर्सनली बहुत बेहतरीन लगती है, मुझे ये सीरीज पर्सनली बहुत अच्छी लगी, मतलब पहली एक्शन सीरीज है जो कि मुझे इतनी फैसिनेटिंग लगी, जिसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ इसका 5वां सीजन इसी साल तक लास्ट में आ जाएगा। तो देखते हैं कब तक आता है, लेकिन ये सीरीज बहुत ही मस्त है। अगर आपको इसका डिटेल कहानी जानना है, मतलब इसमें क्या है, किस तरह की आप कहानी मिलेगी, मैं आपको एक आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, आप देख सकते हैं मैंने इसका रिव्यू किया है सीजन 4 का। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मूवी पे। तो हमारी लिस्ट की जो नंबर 1 मूवी आती है वॉचमैन, ये एक सुपर हीरो एक्शन सीरीज है जो कि आपको डिज्नी पे देखने को मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग 9 है। इसमें इस सीरीज में दिखाया जाता है कि मास्क जो पीपल्स हैं उनसे गवर्नमेंट लोग बहुत डरे हुए हैं और उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अब ये मास्क लोग एक संगठन बनाते हैं जो कि अपने आप को सेव करेंगे और जो मासूम लोग हैं उन्हें सेव करेंगे बुरे लोगों से, और बुरे लोग इन्हीं का भेष बना बना के लोगों को परेशान कर रहे हैं। अब वो असली जो मास्क जो असली सुपर हीरोज हैं वो नॉर्मल लोगों को बचाते हैं, और इसमें उन्हें बहुत सारी इसी में अलग लेवल का VFX भी देखने मिलता है। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, कहानी बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत थोड़ा थ्रिलर टाइप का भी इसका कहानी है। तो आप इसमें इसको लास्ट तक देखिएगा तो बहुत मजा आएगा। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखने को मिल जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज में। अगर हिंदी में देखना
देखना है तो वो कहीं से डाउनलोड करना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई मूवीज से। तब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, जय हिंद।